हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ICT चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 22वें दिन का सेशन करने वाले हैं और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लेशियल वर्ड्स यानी स्थान सूचक शब्दों के बारे में। तो ये शब्द जैसे ऑन, एट, इन, टू, ये सारे शब्द हमें कैसे सेंटेंस में यूज करने हैं, हम ये आज जानेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये जो हम स्थान सूचक शब्दों से बने वाक्य पढ़ने वाले हैं, तो ये शब्द कौन कौन से हैं? ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विथ, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमोंग, ओवर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना में प्रपोजिशंस का बड़ा महत्व। अंग्रेजी भाषा के शिक्षार्थियों को बड़ी सावधानी से इनका ठीक ठाक प्रयोग सीखना चाहिए। कुछ प्रपोजिशंस का संबंध स्थान, समय, विधि आदि के साथ होता है और कुछ का कारण और गति के साथ। तो कुछ प्रपोजिशंस हम यूज करते हैं स्थान के लिए या समय को दिखाने के लिए, और कुछ हम यूज करते हैं कारण के लिए, कॉज के लिए या फिर गति के लिए। इन सबका अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रपोजिशंस प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञार्थक अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती। ये प्रायः संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगती है और कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती है। इनका अच्छी तरह अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। अब प्रपोजिशंस कैसे यूज होते हैं? ये ज्यादातर तो संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञार्थक शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती है। ये कि संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हो गया? बुक और टेबल हो गया। तो बुक और टेबल के बीच में क्या संबंध है? बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई, तो यहाँ पे ऑन जो है इसने बुक और टेबल के बीच का संबंध। इस तरीके से हम प्रपोजिशंस का यूज करते हैं। आइए देखते हैं इनसे बने वाक्य कौन कौन से हैं। पहला है द बुक इज ऑन द बॉक्स, यानी बुक बॉक्स के ऊपर है। पर के लिए हम ऑन यूज करते हैं। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर मेज पर है। द क्लर्क इज एट द सीट, अब क्लर्क सीट पे है। अब क्लर्क कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं, क्लर्क क्या है? इंसान है, तो ह्यूमन बीइंग है। क्लर्क एक पोस्ट है जो हम क्लरिकल पोस्ट पे काम करते हैं, तो हम इंसान को ये नहीं बोल सकते कि वो सीट के ऊपर बैठा है, हम बोलेंगे कि वो सीट पे बैठा है। तो इसके लिए हम एट का यूज करेंगे। दिस इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर, अब डोर के ऊपर ग्रीन पेंट किया हुआ है। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर, अब फादर दरवाजे पर खड़े हैं। अब जैसे मैंने बताया, फादर जो है मेरे दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े हैं, फादर दरवाजे पर खड़े हैं। तो अगर हम माय फादर इज स्टैंडिंग ऑन द डोर बोलेंगे तो इसका मतलब ये कि दरवाजे के ऊपर ही खड़े हैं, लेकिन हम एट द डोर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो दरवाजे पर खड़े हैं। आई विल सी यू एट होम, मैं तुम्हें घर पे मिलूंगा। नेहा इज कमिंग इन टू द रूम, नेहा कमरे में आ रही है। इन टू का मतलब होता है वे, किसी चीज के अंदर। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम, अब दोनों ही ऋषभ और ऋचा दोनों ही रूम के अंदर है। अब यहाँ बोलोगे इसमें भी अंदर आ रही है, इसमें भी अंदर है, तो क्या डिफरेंस है? नेहा इस रूम के अंदर आ रही है, वो बाहर से चलती हुई अंदर आ रही है, लेकिन हमने यूज का प्रयोग किया इसका मतलब। और इस वाले सेंटेंस में ऋषभ और ऋचा दोनों पहले से ही रूम के अंदर हैं, ने इनका यूज किया। आई विल पोर सम वाटर इन टू द ग्लास, मैं ग्लास में थोड़ा सा पानी और डालूंगा। इन टू द ग्लास हमने इसलिए यूज किया है कि मैं पानी ग्लास के अंदर डालूं। पीपल बेथ इन द रिवर, लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। अब लोग जो वो पहले से ही रिवर के अंदर है, तो हमने इन यूज किया। जैसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था नेहा, ऋषभ और ऋचा दोनों पहले से ही रूम में थे, तो हमने इन यूज किया, लेकिन नेहा रूम के अंदर आ रही थी तो हमने इनटू का यूज किया। वैसे यहाँ पे मैं ग्लास में पानी डालूंगा, यानी मैं पानी डाल रहा हूँ, तो हमने इनटू यूज किया। और यहाँ पे पीपल बेथ इन द रिवर, लोग नदी में स्नान करते, तो ये नदी में ही स्नान करते हैं लोग, तो हमने यहाँ पे इन यूज। विसिट ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर, हम बेंच पे बैठते हैं लेकिन पिताजी आम कुर्सी पे बैठते हैं। व्हाई डोंट यू सिट एट द टेबल, तुम मेज पर क्यों नहीं बैठते। फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर, फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। ही वेंट इनटू हिज हाउस, वह अपने मकान के अंदर गया। द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर, पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इनटू का यूज किया है। हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्दर्न इंडिया, हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न इंडिया में है, उत्तर भारत में है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नेपाल भारत के उत्तर में है। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है, लेकिन नेपाल भारत के उत्तर में है, ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है।
यहाँ पे दिशा बता रहे हैं और यहाँ पे हम पोजीशन बता रहे हैं। डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ, किसी व्यक्ति को उसके कपड़े से मत जानो। बाय हिज क्लोथ यानी उसके कपड़े से। आई फिल्ड द बॉटल विथ मिल्क, मैंने दूध से बोतल भरी। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, तो बाय हम से के लिए यूज करते हैं या के द्वारा के लिए यूज करते। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर, वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। बिसाइड यानी पास। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी, और यहाँ पे बिसाइड्स क्या मतलब होता है, अलावा। तो बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं। बिसाइड अलग वर्ड है और जब हम इसमें एस लगा देते हैं ये अलग वर्ड होता है। बिसाइड का मतलब होता है पास और बिसाइड्स के मतलब होता है अलावा। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ, मिठाई को कीर्ति और सौरभ में बांट दो। बिटवीन हम यूज करते हैं जब हम दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटते हैं, दो लोगों के बीच में कोई चीज हम देते हैं तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। शिमला इज सिचुएटेड अमंग द माउंटेन्स, अमंग का मतलब होता है कि बीच में। बिटवीन हम यूज करते हैं दो लोगों के बीच के लिए। अमंगस्ट हम तब यूज करते हैं जब दो से ज्यादा हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। शिमला इज सिचुएटेड अमंग द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स यानी दो माउंटेन के बीच में नहीं है शिमला, शिमला बहुत सारे माउंटेन्स के बीचों बीच स्थित है। तो यहाँ पे हमने अमंगस्ट का यूज किया, बिटवीन का नहीं। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर, यमुना नदी पर पुल है, अब नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। ब्रिज कभी भी ऑन द रिवर नहीं होता है, ब्रिज हमेशा ओवर द रिवर होता है। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल, गेंद को दीवार के ऊपर फेंको। बॉल को भी जब हम थ्रो करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि थ्रो द बॉल ऑन द वॉल, हम बोलते हैं थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, बर्ड्स आर अंडर द ब्रिज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, तो बर्ड जो है वो ब्रिज के ऊपर से यानी पुल के ऊपर से उड़ रही है, लेकिन वो अगर हम ऑन का इस्तेमाल करते तो ऑन में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है तो हमने ऑन यूज किया। लेकिन जब हम ओवर का यूज करते हैं तो वो चीज, बुक इज ओवर द टेबल यानी बुक टेबल के ऊपर है लेकिन टेबल से उसका कॉन्टेक्ट नहीं। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास, अमर राम राज और विकास के बीच में खड़ा है। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी, सीता जी स्टैंडिंग बिहाइंड, राम सीता जी के आगे है और सीता जी उनके पीछे है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है उसके आगे। वी आर इन कंफ्यूजन, द मनी इज इन माई पॉकेट, हम दुविधा में है, पैसा मेरी जेब में है। फिशेज आर इन द सी, हु इज इन साइड, मछलियां समुद्र में है, अंदर कौन है। याद रखें एट, ऑन, इन, विथ, बाय आदि प्रपोजिशंस का प्रयोग प्रायः हम स्थानवाची और कालवाची शब्दों के रूप में करते हैं, पर आपने स्थानवाची अर्थ में इनके प्रयोग देखे हैं। स्थानवाची यानी हम किसी चीज का स्थान जब बताते हैं कि वो वस्तु कहाँ रखी है। सो बॉल इज ऑन द फ्लोर यानी बॉल जमीन पर रखी हुई है। बुक इज ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बुक रखी हुई है। तो ये हम यहाँ पे स्थान बता रहे हैं कि वो वस्तु कहाँ रखी है। या फिर कालवाची जैसे बाय का हम यूज करते हैं, ही विल कम बाय टुमारो, तो यहाँ पे हमने काल का यूज किया। नेक्स्ट है ऑन और एट, दोनों का अर्थ पर है तथा बाय और विथ का अर्थ साथ है, पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। ऑन द टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर और एट द टेबल का अर्थ है मेज पर। बाय का अर्थ है के द्वारा तथा विथ का अर्थ है के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया हम ऑन यूज करते हैं इसका मतलब वो उसके ऊपर है, और जब हम यूज करते हैं एट यानी वो उसका मतलब है मेज पर, मेज के ऊपर और मेज पर, इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। वैसे ही हम विथ यूज करते हैं यानी वो उसके साथ है, ही इज विथ हिम यानी वो उसके साथ है, और बाय का मतलब होता है के द्वारा, उसके द्वारा। नेक्स्ट है बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, अमंग दो से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कमला इज गोइंग इन हर रूम, कमला इज गोइंग इन टू हर रूम, इसमें से इन जो है वो गलत है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु पहले से ही उस चीज के अंदर है, जैसे मान लो कमला अगर पहले ही रूम में होती तो हम लिखते कमला इज इन द रूम, लेकिन कमला इज गोइंग यानी कमला रूम के अंदर जा रही है, हम इन नहीं लिखेंगे, हम इनटू का प्रयोग करेंगे। कमला इज गोइंग इनटू द रूम, तो ये वाक्य सही। ऊपर के दो वाक्यों में दूसरा वाक्य ठीक है, यहाँ अर्थ है बाहर से कमरे में अंदर जाना ना कि अंदर चलना, फिर इसलिए इनटू का प्रयोग किया है। इनका प्रयोग वहां होता है जहां पर यह निकले कि वह कमरे के अंदर ही है और कोई काम कर रही है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य, कमला अपने कमरे के अंदर है, तब हम बोलते हैं कमला इज इन हर रूम, लेकिन कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है, कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम, तो अपने कमरे के अंदर कमला पहले से ही है और अगर वो अंदर में कुछ काम कर रही है तब हम इन यूज करेंगे। जैसे कमला इज स्लीपिंग इन द रूम, कमला इज ईटिंग इन द रूम, लेकिन अगर कमला बाहर से रूम के अंदर जा रही है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कमला इज गोइंग इन अ रूम,
हम बोलेंगे कमला इज गोइंग इनटू हर रूम। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब इस सेशन के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके जो प्रेपोजिशंस हैं उन पे पकड़ आपकी और ज्यादा मजबूत हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ICT चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ICT चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है। वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के PDF भी यहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।